So welcome guys, in this module we will learn about the solid chapter of class 9th ICSC surface area and volume of 3D solid. So guys, in this video हम लोग surface area और volume सीखेंगे किसका 3D solids का मतलब 3D solids का मतलब 3 dimensional means 3 dimensional कौन सा guys 3 dimensional जो फिगर होते हैं उनका आज हम लोग वॉल्यूम निकालना सीखेंगे और उसका सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया आज हम लोग निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नाइन्थ आईसीएससी बोर्ड के लिए है, ये जो चैप्टर है नाइन्थ आईसीएससी बोर्ड में है बेसिकली। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर का क्या नाम है, सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग जो सॉलिड का चैप्टर है इसमें सॉलिड समझते क्या होता है। सॉलिड तो आपको पता ही होगा, जैसा आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जैसा जो चैप्टर वन है उसका मैटर अनाउंस कोर्स में आप सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ते हैं, तो ये वही वाला सॉलिड है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी ऐसी चीज जिसका स्पेस होता है, मतलब जैसे इस सरफेस पे आपने बुक रखी है, क्या रखी गाइस आपने बुक रखी, तो ये बुक कोई सरफेस थोड़ा सा जो इतने पे आप कुछ और नहीं रख सकते, इतना सरफेस क्या किया इस बुक ने घेर लिया, इतना सरफेस क्या किया इस बुक ने कवर कर लिया, तो इसके बीच में ये जो इसका सरफेस है इसके बीच में आप कुछ और नहीं रख सकते, इतना स्पेस किसने घेर लिया, बुक ने। एंड हैव मास, अब आप इसको उठाएंगे तो आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब इसमें कुछ मास होगा, थोड़ा सा इसका वजन होगा, उसे ही हम लोग सॉलिड कहते हैं। तो सॉलिड की डिफिनेशन क्या होती है बच्चों, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, मतलब उसका मास होगा इज कॉल्ड सॉलिड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट डिफिनेशन है वो है वॉल्यूम। अब हमने सरफेस है या 3D सॉलिड, पहले हमने सॉलिड समझ लिया, अब हम लोग उसका वॉल्यूम समझेंगे। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। हमने यहाँ पे पढ़ा था ऐसी चीज जिसका स्पेस और मास दोनों हो उसे हम लोग सॉलिड कहते हैं, लेकिन वॉल्यूम में द स्पेस ऑफ किसी भी सॉलिड, कोई भी सॉलिड हो, मानिए बॉल है, बॉल सॉलिड है, इसके द्वारा जो केवल स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है उसे हम लोग वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस, वॉल्यूम कहेंगे, इसके द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया जा रहा है उसे हम लोग सॉलिड कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस, सॉलिड कहेंगे। तो वॉल्यूम सॉलिड ये होता है, वो होता है इसके द्वारा स्पेस घेरा गया और जितनी जगह ली गई और स्पेस घेरा गया और जो मास है इसका बॉल का उसे हम लोग सॉलिड कहेंगे, लेकिन वॉल्यूम में केवल जो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इतना, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस, वॉल्यूम कहेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो देखिए हम लोग वॉल्यूम होता कैसे, द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। मानिए यहाँ पे ये कोई बाउल है, इसको क्या करिए बॉल्स, इसको बाउल लेट कर लीजिए, ये कोई बाउल है। अब जैसे हम लोग को पता लगाना है कि इसका वॉल्यूम कितना है, हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज इक्वल टू इट्स इंटरनल वॉल्यूम, उसके इंटरनल वॉल्यूम के बराबर होती है। अब इस कंटेनर जैसे आपके पास ये बाउल है, अब आपको इसका कंटेनर, इसका क्या पता लगाना है, इसका इंटरनल वॉल्यूम पता लगाना है, कैपेसिटी पता लगानी है, तो आप उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि आपको उसका इंटरनल, ये इंटरनल वॉल्यूम आपको पता चल जाए, उसके लिए आप जो करेंगे वो ये फॉर्मूला है, द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन अ होलो बॉडी, सॉरी गाइस, द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन अ होलो बॉडी, मतलब कोई खोखली मतलब खाली बॉडी, उसका जो अंदर का हम लोग वॉल्यूम पता लगाते हैं, उसे हम लोग पता लगाते हैं, इसके एक्सटर्नल वॉल्यूम जो आप देख पा रहे कोई थिकनेस होगी, उस एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम जितना इसका सरफेस होगा उसे हम लोग माइनस कर देंगे, तो इट्स एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। इस चैप्टर का यही पहला फॉर्मूला है कि द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होलो बॉडी इज इट्स एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरफेस एरिया, मतलब जो सॉलिड है उसका सरफेस एरिया हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे गाइस, सरफेस एरिया। तो देखिए गाइस सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, मतलब कि अब सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होता है,
द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल सर्फेसेस, मतलब कि मानिए गाइस ये कोई, गाइस इसको अपडेट कर लीजिए, कोई क्यूबॉइड है। क्या है गाइस? ये क्यूबॉइड है। तो ये जो क्यूबॉइड है इसका हम लोग को सरफेस एरिया पता लगाना है। सरफेस में एक ये सरफेस आएगा ऊपर वाला, एक इधर वाला, एक बाहर वाला, एक पीछे वाला और एक लेफ्ट साइड वाला। तो हम लोग इसमें इसका सरफेस एरिया पता लगाना है। अब सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके लिए हम लोग जितने सरफेस हैं उनको सम कर लेंगे, मतलब यहाँ पे आप जो आपको जितने सरफेस दिख रहे हैं उनका हम लोग सम कर लेंगे। क्या कर लेंगे गाइस? सम कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें इसका उसके बाद उसको ऐड करेंगे। इसका मान्य 2 है ऊपर वाले का, तो इसका 2 जो इधर था 2 पीछे वाला 2, मतलब 6 सरफेस हैं। 2 6 12 मानिए आपके 12 आ गया। तो 12 क्या होगा? इसका सरफेस एरिया होगा और ये टोटल सरफेस एरिया। अब वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्यूबॉइड है, स्क्वायर है और सर्किल है या रेक्टेंगल है या क्यूब है। उस पर डिपेंड करेगा कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो जो सॉलिड एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड होता है उसका जो डिफिनेशन है वो है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द सरफेसेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। और इसका जो दूसरा नाम है वो है TSA, जिसे आप शॉर्ट में TSA कहते हैं। आपको याद आ रहा होगा, आपने 8th क्लास में पढ़ा है, मीन्स टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा गाइस? टोटल सरफेस एरिया। और TSA हम लोग किसे कहते हैं? किसी भी सॉलिड का आप सरफेस निकालेंगे, मतलब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसको हम लोग दूसरा नाम से क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो गाइस आज के वीडियो में बस यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हम लोग का क्यूबॉइड। क्या होगा? हम लोग क्यूबॉइड और क्यूब के जानेंगे, उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वही आज हम लोग इसमें सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। टेक केयर।